नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 22 नवंबर को होगी बिहार कैबिनेट की बैठक। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों को अब नहीं देना होगा रिजाइन। कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए आज से करें आवेदन। भारत नेपाल बॉर्डर से पाकिस्तानी महिला और बेटे की गिरफ्तारी। मोहम्मद शमी ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले गेंदबाज। उसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 22 नवंबर को होगी बिहार कैबिनेट की बैठक। इस सप्ताह लोक आस्था महापर्व छठ की वजह से बिहार कैबिनेट की बैठक नहीं होगी। ऐसे में अब बिहार कैबिनेट की बैठक 22 नवंबर को सुबह 10:30 बजे मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल की बैठक में बुलाई गई है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि 22 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में 4% डीए पर मोहर लग सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले सप्ताह हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार के द्वारा पिछड़ा, अति पिछड़ा और एससी एसटी को दिए जाने वाले आरक्षण की सीमा 50% से 65% करने का फैसला लिया गया था। मालूम हो कि 22 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक के लिए कैबिनेट विभाग की ओर से पत्र भी जारी कर दिया गया है और सभी मंत्रियों को उसकी सूचना दे दी गई है और साथ ही संबंधित विभाग को तैयारी के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों को अब नहीं देना होगा रिजाइन। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों के योगदान को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत अब राज्य के 1,20,000 नव नियुक्त शिक्षकों को जो पूर्व से किसी और संस्था में काम कर रहे हैं तो अब उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उन्हें पूर्व की पोस्टिंग वाले स्कूल के प्रधानाध्यापक से वीरमति होने तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र सिर्फ देना होगा। बता दें कि विभाग की ओर से नव नियुक्त नियोजित शिक्षकों को नई जगह पर 30 नवंबर तक योगदान देने की हिदायत दी गई है। विभाग ने कहा है कि पूर्व से नियोजित शिक्षक अपने पुराने स्कूल के प्राध्यापक से प्रमाण पत्र लेकर आएंगे कि उनके खिलाफ किसी तरह के आरोप लंबित नहीं है। वहीं नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नई जगह पर योगदान देने के पहले जमा करने होंगे। भारत के फाइनल पर पहुंचने पर सीएम नीतीश ने दी बधाई। बीते दिन विश्व कप 2023 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराते हुए फाइनल में अपनी जगह बना ली है। वहीं भारत के शानदार जीत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भारतीय टीम और साथ ही विराट कोहली को 50वें शतक के लिए बधाई दिया गया है। उन्होंने एक्स पर, जो कि पूर्व में ट्विटर हुआ करता था, उस पर ट्वीट कर लिखा है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 50 शतक लगाने वाले विश्व का पहला क्रिकेट खिलाड़ी बनने पर भारतीय बल्लेबाज एवं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान श्री विराट कोहली जी को हार्दिक बधाई। मैं उनके सुखद भविष्य की कामना करता हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और 50 ओवर में 4 विकेट पर 397 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम के द्वारा 48.5 ओवर में 327 रन ही बनाए गए। विकसित होगा सीता जन्मस्थली मिथिला का पुनराधाम। राज्य पर्यटन निगम की ओर से माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी जिला के पुनौरा धाम को विकसित करने के लिए टेंडर निकाला गया है, जिसकी पूरी प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक कर ली जाएगी। बता दें कि इस योजना को पूरा करने की अवधि 24 महीने तक निर्धारित की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुनौरा धाम विकास योजना के तहत कई तरह की पर्यटकीय सुविधाएं विकसित की जाएगी, जिसमें कोलोनेड, 3D एनिमेशन शो, वास्तुशिल्प, पार्किंग, मंडप, आंतरिक सड़कें, वाटिका का जीर्णोद्धार, कैफेटेरिया, जानकी महोत्सव का क्षेत्र, चिल्ड्रन प्ले एरिया, लॉ कुश वाटिका, पाथवे, भट्टी चित्र कला, मूर्ति कला और अन्य कलात्मक कार्य शामिल है। मालूम हो कि इस योजना पर 67.39 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं और इसका कार्यान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से किया जा रहा है। कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए आज से करें आवेदन। अगर आप भी बिहार में कक्षा 1 से 5वीं तक का शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि आज से इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। मालूम हो कि शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में कक्षा 1 से 5वीं तक के कुल 9,431 पद पर नियुक्ति की जानी है, जिसमें जनरल के 4,413, उर्दू के 4,932 और बांग्ला के 86 पद है। इसके लिए आवेदन करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, जो की वेबसाइट onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाकर किया जा सकता है। वहीं एक बार इस संबंध में जारी किए गए नोटिस को भी जरूर पढ़ लें, जो बीपीएससी की वेबसाइट पर जारी किया गया है। बता दें कि भुगतान एवं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। भारत नेपाल बॉर्डर से पाकिस्तानी महिला और बेटे की गिरफ्तारी। बिहार के किशनगंज जिले से भारत नेपाल की सीमा पार कर रहे दो पाकिस्तानी नागरिक, एक महिला और उसके बेटे को भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात सीमा सुरक्षा बलों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार महिला को रूटीन जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया। एसएसबी के मुताबिक 41वीं बटालियन के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा रूटीन जाँच के दौरान बॉर्डर आउट पोस्ट पर एक 62 वर्षीय पाकिस्तानी महिला शायस्ता हनीफ और उसके 11 वर्षीय बेटे आर्यन को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार सीमा पार करने के दौरान महिला
महिला से अपने पहचान पत्र दिखाने को कहा गया था, लेकिन वह अपना पहचान पत्र दिखाने में असमर्थ रही, जिसके बाद शक होने पर जब एसएसबी के जवानों के द्वारा तलाशी ली गई, फिलहाल महिला को गिरफ्तार कर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। बीपीएससी 741 शिक्षक अभ्यर्थियों को भेजेगा नोटिस, परीक्षा पर लग सकती है रोक। एक तरफ जहां बिहार में तेजी से शिक्षकों की भर्ती की जा रही, तो वहीं दूसरी ओर बीपीएससी की ओर से जारी किए गए परिणाम पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी को लेकर अब बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि आयोग की ओर से शिक्षक नियुक्ति के प्रथम चरण के परिणाम पर सवाल उठाने वाले 741 शिक्षक अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया जाएगा। इस बारे में आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के द्वारा एक्सपर्ट, जो कि पूर्व में ट्विटर हुआ करता था, उस पर ट्वीट कर जानकारी दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि हमें 1.0 परिणामों पर बिना शपथ पत्र के 741 शिकायतें प्राप्त हुई। फालतू शिकायतों के ऐसे सभी मामलों से सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसे में अब शिक्षकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो आयोग की ओर से उन पर कार्रवाई की जा सकती है। उत्तराखंड टनल हादसे में कई बिहारी मजदूरों की फंसी जान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के बड़कोट में टनल में फंसे मजदूरों को आज गुरुवार को भी रेस्क्यू करने में सफलता नहीं मिल पाई है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। बता दें कि इस टनल में फंसे मजदूरों में बिहार के भी कई मजदूर शामिल है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से टनल में फंसे मजदूरों की लिस्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार बिहार के जिस मजदूर का नाम शामिल है उनमें बांका जिले के कटोरिया के तितरिया गाँव के रहने वाले वीरेंद्र किस्कू, चंदनपुर गाँव के रहने वाले सुशील कुमार और साहनी गाँव के रहने वाले सोनू साह है। इसके अलावा बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले सबाह अहमद भी टनल में फंसे हैं। बता दें कि अब इनके टनल में फंसे होने की खबर मिलते ही परिवार वालों की चिंता बढ़ गई है और वे सरकार से अपने परिजनों को जल्द निकालने की अपील कर रहे हैं। देहरादून रिलायंस ज्वेलरी शोरूम डकैती में बिहार से 2 गिरफ्तार। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीते 9 नवंबर को रिलायंस ज्वेलरी शोरूम से 20 करोड़ से अधिक की डकैती मामले में बिहार के वैशाली स्थित हाइड आउट कंट्रोल हाउस पर दून पुलिस के द्वारा रेड कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पुलिस को इस डकैती में शामिल अपराधियों के बारे में कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है और साथ ही अलग अलग टीमों की मध्य प्रदेश और बिहार में दबिश जारी है। बता दें कि पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरोपितों के द्वारा डकैती डालने के लिए या तो चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था या फर्जी आईडी पर ओएलएक्स से गाड़ियां खरीदते थे। डकैती की घटनाओं के दौरान आपस में संपर्क करने के लिए आरोपियों के द्वारा पश्चिम बंगाल और बिहार की फर्जी आईडी पर सिम खरीदे जाते थे और फिर सिम को नष्ट कर दिया जाता था। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का बदलेगा लुक। 250 MBBS नामांकन को ध्यान में रखते हुए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लहरीसराय के नए भवन के निर्माण की पहल की शुरुआत कर दी गई है और साथ ही उस अस्पताल में 2100 बेड के नए भवन के निर्माण की दिशा में भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि DMCH के पास 125 एकड़ का कैंपस के विकास की पहल की शुरुआत बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचनाएं निगम लिमिटेड की ओर से की गई है। इसको लेकर निगम की ओर से टेंडर भी जारी कर दिया गया और साथ ही टेंडर के 2 साल के अंदर भवन एजेंसी को भवन निर्माण और अन्य सुविधाएं बहाल कर देनी है। मालूम हो कि सरकार के द्वारा की गई घोषणा के बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा DMCH से नव निर्माण की प्रक्रिया की आरंभ कर दी गई है। यादव समाज को लेकर तेजस्वी यादव का बयान। इन दिनों राजनीतिक गलियारों में यादव समाज को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में अब बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा भी यादव समाज को लेकर अपनी टिप्पणी दी गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले यादव को अलग कर रहे हैं तो करने दीजिए, रहने दीजिए, इसमें किसी को कोई मन ही नहीं है। देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र से काम करना चाहिए। हम तो उनको इस बात के लिए शुभकामनाएं देते हैं कि वह यादव को अलग कर रहे हैं। उनको जो करना है करने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उपमुख्यमंत्री के द्वारा यह बयान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ कोलकाता जाने के दौरान पटना एयरपोर्ट पर कहा गया है। हाजीपुर सीट को लेकर पशुपति पारस का दावा। चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच हाजीपुर सीट को लेकर जंग जारी है। अब इसी कड़ी में लालोजपा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के द्वारा हाजीपुर सीट को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने बीते दिन पार्टी प्रदेश कार्यालय में बैठक की और कहा कि 28 नवंबर को हाजीपुर के अक्षय वट राय स्टेडियम में आयोजित हो रहे पार्टी के स्थापना दिवस के समारोह में शामिल होने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की पार्टी एवं दलित सेना के नेता एवं कार्यकर्ता हाजीपुर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है, जिसमें से उनके 5 सांसद है। उनके हक को कोई तोड़ नहीं सकता। जिसको जितना बोलना है बोले, पहले अपनी औकात समझे। उन्होंने कहा कि हाजीपुर से सीट से वह 2024 के लोकसभा चुनाव बिहार में सबसे अधिक वोटों से जीतेंगे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सीएम नीतीश पर लगाया आरोप।
बीते दिन बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के द्वारा राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना के कार्यान्वयन की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। उन्होंने कहा कि राज्य में लोकधन की लूट को रोकने के लिए इस योजना की जांच जरूरी है। सरकार द्वारा 2022 में 1.48 करोड़ ग्रामीण उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपलब्ध कराने हेतु 15,074 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई, जो विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों के लिए लूट का बड़ा स्रोत बन गया है। राज्य में अभी तक 21 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। उपभोक्ताओं के द्वारा हजारों शिकायतों की गई है जिसका निष्पादन नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा इस योजना को उपभोक्ताओं से जबरन लूट का माध्यम बना लिया है। यदि इन पर लगाम नहीं लगाया गया तो एक बड़ा घोटाला के रूप में यह बिहार को शर्मसार कर देगा। मोहम्मद शमी ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले गेंदबाज। बीते दिन विश्व कप 2023 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मोहम्मद शमी ने अपनी शानदार गेंदबाजी से कीवी बैटिंग ऑर्डर की कमर तोड़ दी। बता दें कि बीते दिन हुए मैच में मोहम्मद शमी के द्वारा कुल 7 विकेट अपने नाम किए गए और इसके साथ ही मोहम्मद शमी अब वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारत की ओर से एक पारी में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। इसके साथ ही मोहम्मद शमी के द्वारा फेंका गया जादुई स्पेल भारत की ओर से 50 ओवर की क्रिकेट में सबसे टेस्ट बॉलिंग स्पेल भी है। बता दें कि मोहम्मद शमी वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप के एक सीजन में 3 मैचों में 5 या उससे ज्यादा विकेट चटकाने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। मोहम्मद शमी वनडे विश्व कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर भी बन गए हैं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.42 रुपए और डीजल 94.21 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.91 रुपए और डीजल 94.91 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.14 रुपए और डीजल कीमत 94.86 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 107.94 रुपए और डीजल कीमत 94.69 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.13 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। अब बढ़ते हैं आज के 5 सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, सीता जन्मस्थली मिथिला का पुनौराधाम को विकसित करने पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? ऑप्शन ए 50.40 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 65.40 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 67.39 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 67.39 करोड़ रुपए। अगला सवाल, बिहार कैबिनेट की बैठक कब होगी? ऑप्शन ए 20 नवंबर 2023, ऑप्शन बी 22 नवंबर 2023, ऑप्शन सी 24 नवंबर 2023, ऑप्शन डी 25 नवंबर 2023। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 22 नवंबर 2023। अगला सवाल, बीते दिन विश्व कप 2023 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को कितने रनों से मात दी? ऑप्शन ए 20 रन, ऑप्शन बी 50 रन, ऑप्शन सी 70 रन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 70 रन। अगला सवाल, बीपीएससी की ओर से कितने शिक्षक अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा जाएगा? ऑप्शन ए 741, ऑप्शन बी 501, ऑप्शन सी 701, ऑप्शन डी 750। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 741। अगला सवाल, कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए 9431 पद में उर्दू के कितने पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं? ऑप्शन ए 4741, ऑप्शन बी 4501, ऑप्शन सी 4932, ऑप्शन डी 750। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4932। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, खुशी शर्मा, धनंजय कुमार, मदन कुमार मोहित, जय अमनौर, सूरज राज, संजीत कुमार, गोनर शर्मा, राजेश कुमार, आशीर्वाद कुमार, अर्पित श्रीवास्तव, कविंद्र मिश्रा, दीपक सिंह कुमार, कौशल सिंह, धीरज कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में आप इंडिया के साथ किस टीम को खेलते देखना चाहते हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।